कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। एक शिकायत है आप लोगों से। शिकायत यह है कि आप लोग अच्छी संख्या में वीडियो देख रहे हैं, नो डाउट पूरा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपका लाइक और कमेंट नहीं आता। आपको अच्छा लग रहा है, लाइक करें। और कैसे चाहिए आपको और क्या पढ़ना चाहते हैं, कमेंट करें। इससे क्या है, थोड़ा उत्साह वर्धन होता है और एक आइडिया ये भी लगता है कि अव्यवस्था में जो लेकर के मैं आपके लिए कुछ दे रहा हूँ वो और अच्छा क्या किया जा सकता है और आपको क्या और पढ़ाया जा सकता है। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा है कि प्रयास तो मेरा है कि मैं अधिक से अधिक कंटेंट आपको दूँ, लेकिन चाहते हुए भी क्लास जैसा नहीं हो पाता। फिर भी अगर आप डिमांड करते रहेंगे तो मेरा प्रयास होगा कि उसे पूरा करने के लिए काफ़ी हद तक हम आपको मैटर इसका दे देंगे, कंटेंट मिलेगा आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आपका लाइक और आपका कमेंट हमें पर्याप्त होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और आज जैसा कि हमने कहा था कि त्रिभुज की जो मेन प्रमेय है, जैसे विशेष रूप से है समकोण त्रिभुज का प्रमेय, न्यून कोण का प्रमेय, अधिक कोण का प्रमेय, थेल्स का प्रमेय, अपोलिनियस का प्रमेय और जिया रूल को जिया रूल, यहाँ तक हमें बहुत गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा और आज से वो टॉपिक की शुरुआत हो रही है। इसके पहले तो बेसिक एक तरह से था, पाइथागोरस प्रमेय से हम शुरुआत इस टॉपिक का कर रहे हैं। आइए हम जानें पाइथागोरस का प्रमेय क्या है। देखिए, इसे हम समकोण त्रिभुज का प्रमेय या बौधायन प्रमेय या पाइथागोरस का प्रमेय या इसको हम बौधायन पाइथागोरस का प्रमेय भी कहते हैं। अब क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा। जैसा कि आपको हमने यहाँ लिखा है कि समकोण त्रिभुज का प्रमेय, इसका मतलब है कि ये प्रमेय समकोण त्रिभुज पर आधारित होगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, इसे हम समकोण माने तो इसके सामने की जो ये भुजा होती है ये कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, चलिए इसे हमने पी से लिखा। और इसकी बात करें तो ये आधार है जिसे हम बेस कहते हैं, ये आधार है, ये बेस है। पाइथागोरस के प्रमेय के आधार पर ये कहा गया है कि समकोण के सामने की भुजा का वर्ग, देखिए मैं यहाँ पर कर्ण नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ समकोण के सामने की भुजा का वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी आपका यहाँ पर प्रमेय कहा कि यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री हो, केवल एक कंडीशन 90 डिग्री हो, तो अब आप चित्र की तरफ ध्यान न देकर यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रमेय हमने क्या कहा, समकोण के सामने की भुजा का वर्ग। अब बताओ अगर B समकोण है तो इसमें से B हटा दो तो B के सामने कौन सी भुजा जाएगी, निश्चित है AC जाएगी, जिसे हम कर्ण कहेंगे, हाइपोटेनस कहते हैं। अब बताओ इसका वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो शेष दो भुजा हमारे पास कौन कौन बच गई, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये तो हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखा, लेकिन अगर इसका इन्वर्सल सूत्र लिखा जाए तो हम कहेंगे कर्ण का वर्ग बराबर होगा किसके भैया, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के। ये आपका है पाइथागोरस का मूल प्रमेय, इसे आप ध्यान देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये अब आइए हम इसी एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री की रचना यहीं से हो जाती है और जितने भी अब आप सूत्र पढ़ेंगे, प्रमेय पढ़ेंगे, सारे के सारे प्रमेय इसी पर डिपेंड करेगा। तो हमें इसे बहुत ध्यान से, बहुत गौर से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए अब हम देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन और क्या क्या हो सकता है, फिर हम थोड़ा सा और आपको गंभीरता की ओर ले चलने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, प्रश्न हम ये इस तरह से ले रहे हैं कि एक पंचभुज है, पेंटागन ए बी सी डी ई,
जिसमें ए बी का मान 20 सेंटीमीटर है, बी सी का मान 15 सेंटीमीटर है, सी डी 32 है, डी ई 10 सेंटीमीटर है, कोण बी, कोण सी, कोण डी का मान 90 है, तो हमें ए ई की लंबाई निकालना है। दो बार ये सवाल पूछा गया, दो तरह से पूछा गया, एक बार ए ई की लंबाई पूछा गया है और एक बार पंचभुज का परिमाप पूछा गया है, मतलब एक ही होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि प्रश्न को हल करते समय जब हम डायग्राम बनाएं, तो डायग्राम बनाते समय हमें दो बातों का ध्यान ये रखना है। पहली तो ये रखना है कि डायग्राम में जो वैल्यू है उसके अनुपात में लंबाई लें, और दूसरा कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो 90 जैसा बनाएं। तो अगर चित्र भी सही से दिखेगा तो हमें आइडिया अपने आप लग जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, आप एक पंचभुज है, ए बी का मान 20 सेंटीमीटर है, तो देखिए हम यहाँ से 20 सेंटीमीटर हम खींच देते हैं, किसको, ए बी को, ये 20 सेंटीमीटर है। चलिए आगे सुनिएगा, अब यहाँ बी 90 है, तो हम जब रेखा गिराएं नीचे तो 90 जैसा गिराएं तो हमें थोड़ा सा आइडिया बढ़ता है, और बी सी का मान 15 है, 15 है तो 20 से थोड़ी छोटी लाइन रखिएगा आप लोग। ये देखिए हम नीचे की तरफ आ गए, चलो ये आ गया सी, और ये लंबाई बोलो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब हम सी डी की ओर चले, 32 है, तो देखो 90 यहाँ पर है और 90 हम यहाँ से बनाते हुए अगर इधर की ओर निकलें तो 20 से बड़ी लाइन आप 32 रखिएगा, क्योंकि 32 की वैल्यू 20 से बड़ी है सी डी। और अब यहाँ से डी ए का मान 10 है तो 15 से छोटी रखिएगा। चलिए हमने मान लिया कि ये है हमारा ई पॉइंट 10 सेंटीमीटर पर, और हमें निकालना है क्या, ए ई की वैल्यू। अब देखिए बहुत आसान होता है, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से इस पर लंब गिरा देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर लंब गिरा दिए हैं, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी होगी, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। और हम यहाँ से इस पर लंब गिरा देते हैं, अब आप देखिएगा कि अगर ये 90 ये 90 ये पैरेलल है तो जितनी ये लंबाई होगी उतनी ये होगी। आइए ये 10 है तो ये 10 होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक 10 हुआ तो ये कितना बचा भैया, 5 हुआ। अब देखो यहाँ से ये 20 है, ये 32 है, मतलब ये बचा कितना, 12। अगर ये 12 बचा तो ये भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। और आपने पैरेलल लाइन खींचा है, लंब गिराया है, तो ये 90 है। अब आप देखो यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई हो रहा है। अब पाइथागोरस का प्रमेय अगर अप्लाई हो रहा है तो फार्मूला हमारा बन जाएगा ए ई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये रिजल्ट आपका आ गया कितना, 13 का स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ ए बराबर होगा 30 सेंटीमीटर। हमारा इस एग्ज़ाम्पल को लेने का मकसद केवल एक यही था कि आप डायग्राम बनाते समय हम कहाँ कहाँ पर ध्यान दें, तो पहले ये तो वैल्यू की लंबाई के रेशियो में ही एक बनाने का प्रयास करें, और दूसरा कि जो 90 दिया है उसे 90 जैसा अगर आप बनाते हैं तो डायग्राम आपको स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि हमें इसको कहाँ से चलकर कैसे सॉल्व करना चाहिए। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए देखिए एक प्रश्न यहाँ से हमने और लिया कि एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने दो मकान हैं, एक 50 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के किसी स्थान पर रखकर जब एक मकान पर गिराई जाती है तो वह 48 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, जब सीढ़ी को उसी स्थान पर रखते हुए दूसरे मकान पर गिराया जाता है तो वह 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, सड़क की चौड़ाई क्या है। अब आप देखो, चलो हम मान लेते हैं कि ये सड़क की चौड़ाई है, ए बी सड़क की चौड़ाई है, इस पे आमने सामने दो मकान हैं, तो हमने मकान को ऐसे ले लिया, और आपको ये पता है कि यहाँ पर बात जब ऊंचाई की जाए तो निश्चित है कि ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, मैंने एंगल के पहले वीडियो में पहले दिन के क्लास में बताया था। अब मैंने एक सीढ़ी सड़क के इस बिंदु पर रख दिया, कहाँ रख दिया, सी पर, और इस सीढ़ी को जब हम इस मकान पर गिराते हैं तो ये सीढ़ी 48 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी ये 48 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। अब बताओ सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 50 मीटर है प्रश्न के अनुसार। फिर जब इस सीढ़ी को यहीं रखे रखे दूसरे मकान पर हम गिराते हैं तो ये 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है,
सीढ़ी अब भी है कई मीटर लंबी, 50 मीटर, और पूछता है कि सड़क की चौड़ाई क्या है। अब आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हमें AC निकाल लेना चाहिए और फिर हमें CB निकाल लेना चाहिए और फिर दोनों को ऐड कर देने पर सड़क की चौड़ाई हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें। x आधार है तो सूत्र हमारा होगा x का स्क्वायर बराबर होगा 50 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। देखिए अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो हम इसे जो है हम रूट में डालकर निकाल सकते हैं। अब आप देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है तो इसे और इसे एक ब्रैकेट में ऐड करें तो 64 आएगा और इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। और आपको ये पता है कि 64 का वर्गमूल 8, 36 का 6, यानी x की वैल्यू हो गई कितनी, 48 मीटर। अब मैं यहीं एक बात आपको बता दूँ कि अगर दो समकोण त्रिभुज हो और दो भुजाएं दोनों में सेम हो तो तीसरी भुजा अपने आप बराबर ले ली जाती है। अब आप देखो यहाँ तो आ गया 48, अब आप देख रहे हो 50 50 48 48, दो भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब तीसरी तीसरी के बराबर होगा। तो y का मान यहाँ से बोलो कितना आ गया, 14 मीटर। अब सड़क की चौड़ाई अगर हम AC निकालें तो बताइएगा कि AC का मान देखिए यहाँ से क्या मिलने वाला है, तो AC बराबर हो जाएगा 48 मीटर और 14 मीटर, ये हम ऐड कर दें 14 मीटर, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया भैया, 62 मीटर। यानी सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, 62 मीटर के बराबर होगी। चलिए इसको जल्दी से नोट हो जाए। आइए एक प्रश्न और देखते हैं, और प्रश्न इस प्रकार से है कि समबाहु त्रिभुज ABC की माध्यिका AD हो तो AD स्क्वायर का मान होगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 3AB स्क्वायर अपान 4 या 4/3 AB का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, अब धीरे धीरे वो सारे एप्लीकेशंस सवाल में यूज होने शुरू हो जाएंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज है ABC, केयर करिएगा। चलो ये हमने लिखा ABC एक समबाहु त्रिभुज है और AD माध्यिका है। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की जब हमने प्रॉपर्टी लिखाई थी तो उसमें आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वही शीर्ष लंब होता है, वही कोण समद्विभाजक होता है और वही लंबवर्धक होता है। तो अब बताओ कि अगर AD माध्यिका है तो ये शीर्ष लंब भी होगा, और शीर्ष लंब होगा तो ये इसे निश्चित रूप से 90 डिग्री पर मिलेगा। माध्यिका होने की वजह से ये रेखा और ये रेखा लंबाई में क्या होगी, बराबर होगी। अब आप देखो पहले आप इसको फुल कॉन्सेप्ट पर देखो, फिर मैं इसको शॉर्ट करके सिखाता हूँ दूसरा तरीका। अब आप बताओ कि क्या मैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को BC/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि पूरा अगर BC है तो आधा BC/2 होगा। त्रिभुज समबाहु है और समबाहु की विशेषता ये होती है कि AB = BC = AC होता है। तो चूँकि हमारे ऑप्शन में BC और AB दोनों का प्रयोग है तो हम दोनों को एक साथ आपस में रिलेट कर देते हैं। तो क्या BC की जगह हम AB/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ज़रा बताओ कि अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं और यहां से मैं AD के स्क्वायर को हल करने का काम करूं कि AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो देखो AD लंब है, कर्ण के वर्ग से हमें बेस के स्क्वायर को निकालना पड़ेगा। तो ये देखो हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस, अगर मैं ये लिखूं तो देखो यहाँ पे हमारा आएगा क्या, BC/2 का स्क्वायर। और हम देख रहे हैं कि AB और BC में हमारे पास दो ही रिलेशन है और दोनों पूर्ण संख्याओं गुणक के रूप में है, जबकि यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है। इसका मतलब कि ये रिलेशन दोनों संभव नहीं होगा इसे सॉल्व करने पर। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर AB रख करके हम चेक कर लेते हैं। तब देखो ये हो गया AB का स्क्वायर माइनस, अगर मैं AB/2 का स्क्वायर कर दूं तो देखो ये हो जाएगा AB² / 4। अब अगर मैं इसे हल कर लूं तो देखो ये हो जाएगा
फोर ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, और इस तरह से ये रिजल्ट आ गया कितना, 3ab² / 4। और ये देखिए हमें ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन इसका सही होता है। चलिए इसको जल्दी इसका लीजिए, तो मैं इसको थोड़ा सा और एक तरीके से बता दूँ आपको। आपको याद होगा कि मैंने एक बार शुरुआत में बताया था कि ये डेढ़ लाइन का ज्योमेट्री का महामंत्र है, और वो ये था कि जब प्रश्न शर्तों पे आधारित हो, वैल्यू न दिया गया हो, तो हम अपने अनुसार किसी भी वैल्यू को लेकर प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर देखो कि थोड़ा सा भिन्न के रूप में भी है, और यहाँ पर ये आधा आधा बटेगा, तो ये शर्त है कि ये समबाहु त्रिभुज है, लेकिन वैल्यू नहीं दिया है, तो हम इसे अपनी इच्छा के अनुसार भुजाओं को दो दो मान लेते हैं, तो यहाँ एक एक हो जाएगा। अब जरा बताओ यहाँ से ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। ए डी स्क्वायर का मान आएगा 2 का वर्ग - 1, माइनस 1 का वर्ग, यानी ये बोलो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम यही वैल्यू इनकी जगह इनकी जगह इनकी जगह इनकी जगह रख करके चेक कर ले, जो सेटिस्फाई किया वही ऑप्शन हमारा सही होता है। अब आप बताओ ए बी का मान कितना है, 2 है, बी सी का मान 2 है, 2 के वर्ग से 2 का वर्ग घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, जबकि आना क्या चाहिए 3, इसलिए ये नहीं हो सकता। यही चीज़ देखो यहाँ पर 2 के वर्ग को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए 3, अतः ये भी नहीं है। यहाँ पर देखो अगर मैं ए बी का स्क्वायर है 4/3 और ए बी का मान 2 है, 4 से गुणा करें तो 4 × 16/3 आएगा, आना चाहिए 3, अतः ये भी नहीं हो सकता। आप यहाँ पर चेक कर लो कि 3/4 × 4, ए बी का मान 2 है, 2 का वर्ग 4, देखो कट करके 3 आ गया, तो ये ऑप्शन क्या हुआ, सही हुआ। तो हम ज्योमेट्री को लगाते समय ऐसा भी ध्यान रखा करें कि अगर प्रश्न कंडीशन पर है, केवल शर्त दिया गया है और वैल्यू नहीं है, तो हमारी स्वतंत्रता है, हम किसी भी वैल्यू को रख के प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं कि समकोणिक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का मान 90 डिग्री, ए बी तथा बी सी पर 2 बिंदु ई और डी इस प्रकार है कि ए डी बराबर सी ई बराबर 13 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, यदि ए ई बराबर डी सी हो तो ए ई का मान क्या होगा। आइए इसको देखते हैं, पहले जैसे बोला वैसे डायग्राम को ड्रा करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और ये देखिए समकोण त्रिभुज है ए बी सी, बी समकोणिक है, चित्र सही बना हुआ है, ये 90 डिग्री है। अब आगे कहता है कि ए बी तथा बी सी पर 2 बिंदु ई तथा डी इस प्रकार है, ए बी पर कहीं ई है और बी सी पर डी है, इस प्रकार है कि ए डी, ए डी की लंबाई यानी ये लंबाई और सी ई की लंबाई यानी ये लंबाई, ये दोनों आपस में बराबर हैं और 13 सेंटीमीटर हैं। तो चलिए हम इसको 13 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी कहीं पर 13 सेंटीमीटर कर देते हैं। अब है बी डी 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है, यानी ये वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। दूसरा कहता है ए ई और डी सी बराबर है, यानी जितना डी सी है, मान लो अगर ये एक्स है तो ए ई का मान भी क्या है, यक्स है। तो हमसे ए यानी एक्स की वैल्यू पूछा हुआ है। चलिए सवाल बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, तो आइए ज़रा सा इसको हल करने का प्रयास किया जाए और देखा जाए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो एक तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इस त्रिभुज को ले लूँ, यानी ए बी डी को ले लूँ, देखो त्रिभुज ए बी अगर डी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये 5 है, ये 13 है, यहाँ से हमें ए बी का मान 12 दिखाई दे रहा है, यानी ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 13 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर = 144 = 12 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक तो बात बहुत अच्छा बन गया। अब जरा सा इस त्रिभुज को देखा जाए, कौन सा त्रिभुज ई बी सी, यानी इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूँ तो आप जरा ये देखो कि अगर यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है हमने अभी निकाला, तो ई बी की लंबाई कितनी होने वाली है, तो ई बी की लंबाई हो जाएगी 12 - x हो जाएगी।
और BC की टोटल लंबाई लें तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ज़रा यहाँ से देखो कि त्रिभुज EB अगर C में मैं देखूँ तो देखो यहाँ से हो जाएगा कि 13 का स्क्वायर बराबर 12 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 5 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये हो गया 169 बराबर हो गया 144 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 24 एक्स और यहाँ से हो गया 25 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 10 एक्स। अब देखो 144 और 25 मिलकर इसे ख़त्म कर देगा और यहाँ से देखो ये बचता है यहाँ पर माइनस 14 एक्स, इधर भेज दें तो 14 एक्स हो जाएगा और यहाँ पे हो गया 2 एक्स स्क्वायर। एक्स जो है स्क्वायर को ख़त्म कर देगा और एक्स का मान बोलो यहाँ से कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो जो वैल्यू DC है वही AE है और AE का मान हमारे आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर, यानी AE और DC दोनों की वैल्यू अगर पूछी गई होती तो हम साथ साथ बोल सकते थे। चलिए जल्दी करिए, आइए अब हम प्रमेय को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने समरूपता में 5 प्रमेय पढ़ा था कल और त्रिभुज में उधर से हम 6 प्रमेय पढ़े थे, 7 आपका पाइथागोरस हो गया, ये 8वां प्रमेय है कर्ण सम द्विभाजक या सम विभाजक प्रमेय। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रा देखिएगा। इसमें क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोणिक शीर्ष को, ध्यान से सुनिएगा भाषा, किसी समकोण त्रिभुज के समकोणिक शीर्ष को कर्ण के मध्य बिंदु से मिला दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो ये आपका समकोण त्रिभुज है ABC और ये 90 डिग्री है तो समकोणिक शीर्ष ये होगा। कहता है समकोणिक शीर्ष को कर्ण के मध्य बिंदु से मिला दिया जाए तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली ये रेखा लंबाई में कर्ण की आधी होती है। यानी प्रमेय को सीधे आप जानिए इसमें क्या कहना चाह रहा है। कहता है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री हो, पहली बात, और दूसरी बात है कि BD जो है वो माध्यिका होनी चाहिए। देखिए यहाँ दो कंडीशन है कि एक तो ये है कि ये 90 होना चाहिए और दूसरा है कि BD जो है वो AC के माध्यिका होनी चाहिए, यानी D AC का मध्य बिंदु होना चाहिए। अगर ऐसा है तो माध्यिका BD की लंबाई कर्ण की आधी होगी, यानी BD बराबर हाफ AC होगा या AD होगा या DC होगा। फिर से ध्यान दे लीजिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोणिक शीर्ष से कर्ण के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली यह रेखा लंबाई में कर्ण की आधी होती है, यानी BD बराबर हाफ AC या AD या DC। अब अगर इस प्रमेय को हटा दें तो इसमें देखिए हमें दो पॉइंट बहुत स्पेशल मिलने वाला है जिसे आप नोट के अंतर्गत लिखिएगा। पहली चीज़ तो आप ज़रा सा गौर करिएगा हमारी बात पे कि हमने आपसे ये बताया कि कल हमारे इससे पहले वाले वीडियो यानी वीडियो नंबर 7-6 में रहा होगा कि अगर किसी त्रिभुज पे बेस स्ट्रेट लाइन हो, किसी दो या दो से अधिक ऐसे त्रिभुज जिनके आधार को सरल रेखी ले लिया जाए, तो हमने कहा था कि उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ कि क्षेत्रफल त्रिभुज ADB और क्षेत्रफल त्रिभुज BDC का मान क्या होगा, देखिए दो शर्तें होनी चाहिए, एक इनका जो आधार है वो सरल रेखी होना चाहिए और दूसरा दोनों त्रिभुज एक शीर्ष एक बिंदु पर उभयनिष्ठ हो। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके आधार के अनुपात के क्रम में होगा तो हम क्या लिखेंगे, AD/DC। और आपको पता है कि ये मीट पॉइंट है, यानी AD और DC आपस में बराबर है तो ये रिजल्ट एक के बराबर आ जाएगा। यानी हम यहाँ से एक रिजल्ट ये पाते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज ADB
की लंबाई बराबर हो गई, की वैल्यू बराबर हो गई क्षेत्रफल त्रिभुज बोलो क्या बी डी सी के। यानी यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर समकोणिक शीर्ष से कर्ण के मध्यबिंदु को मिलाया जाए तो वह दो बराबर त्रिभुजों में बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा अगर दो बराबर त्रिभुज में बटेगा फिर ये देखो ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, अर्थात जो बनने वाला ये त्रिभुज होंगे दोनों वो समद्विबाहु होंगे, तो क्षेत्रफल में बराबर होंगे और दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होंगे बोलो समद्विबाहु होंगे, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अब बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, इसे आप मिस ना करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। कर्ण लंब विभाजक प्रमेय, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग। प्रमेय में ये कहा कि किसी समकोण त्रिभुज बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी समकोण त्रिभुज के समकोणिक शीर्ष से, समकोणिक शीर्ष मतलब इससे कर्ण पर लंब डाला जाए, लंब डाला जाए। देखिए इसके पहले क्या था माध्यिका, यहाँ लंब है, कर्ण पे लंब डाला जाए तो डाले गए लंब का वर्ग कर्ण के दोनों खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी यहाँ पर आ गया आपका कि यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये आपका पहला केस। दूसरा केस कहता है कि जो बी डी है वो लंब होना चाहिए किस पर, ए सी पर। अगर ये दो शर्तों का पालन हो रहा हो तो बी डी का स्क्वायर बराबर होगा। अब देखो जैसे बी डी जाकर ए सी पर लंब गिरा, ए सी दो भागों में बढ़ चुका है, कौन कौन सा भाग है, एक भाग है ए डी और एक भाग है डी सी। तो ये जो डाले गए लंब का वर्ग कर्ण के दोनों खंडों के गुणनफल के बराबर होगा, ये इनका मूल प्रमेय है। अब चलिए इसमें कुछ हम और चीज़ें पढ़ते हैं कि हमें बी डी का मान निकालना होगा तो हम इनका और इनका गुणा करेंगे तो बी डी का मान आ जाएगा। आइए जरा अब आगे बढ़ाएं आपको। अब देखिएगा कैलकुलेशन अगर हमको इस पर करना हो तो कभी कभी कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन पहले हम इसे देखें। अब आप जरा सा ध्यान देना यहाँ पर नोट, चलिए केयर करिएगा भैया इसको। मान लो ये भुजा जो है ये ए है और इसे मान लो ये बी है, ठीक है, और इसे हम ये मान लें कि ये वैल्यू सी है। सी का मान अगर हम हल करेंगे पाइथागोरस से तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक। अब आप क्षेत्रफल जरा निकालिए कि अगर हम क्षेत्रफल निकालें त्रिभुज ए बी सी का तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा एक बटे दो लंब गुणे आधार ए बी, और ये हमारा हो गया पहला केस। दूसरा है कि अगर हम क्षेत्रफल निकालें त्रिभुज ए बी सी का तो देखो एक तरीका इसका और है क्षेत्रफल निकालने का, वास्तव में त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो हमारा जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है एक बटे दो आधार गुणे संगत ऊंचाई। यानी आधार जरूरी नहीं है कि बी सी को लिया जाए, आधार ए बी को भी ले सकते हैं तो देखो ऊंचाई फिर सी भी हो जाएगी। अगर मैं आधार ए सी को ले लूं तो ए सी पर जो लंब गिर रहा है वो ऊंचाई होगा, तो हम यहां पर ये भी कह सकते हैं एक बटे दो ए सी गुणे बी डी, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखो जो क्षेत्रफल जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ है उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगा। मैं ए सी को लिख देता हूँ सी और बी डी को बी डी रहने देते हैं, तो दोनों एरियाज आपस में बराबर होंगे, तो इनको कंपेयर कर देते हैं कि एक बटे दो ए बी बराबर एक बटे दो सी इंटू बोलो क्या आ गया बी डी। अब देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया
और यहाँ से हमें बी डी बराबर क्या प्राप्त हो गया, ए इंटू बी अपान सी। अब देखिए एक सूत्र इससे पहले आपने पढ़ा था कि बी डी बराबर ए डी गुणे डी सी, और एक सूत्र हम यहाँ से पा गए। इसे अगर मैं लिख दूँ तो क्या है, ए क्या है, ए है समकोण त्रिभुज का लंब, बी क्या है समकोण त्रिभुज के आधार, और सी क्या है समकोण त्रिभुज का कर्ण। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसके लंब आधार में गुणा करके कर्ण से भाग कर दें तो समकोणिक शीर्ष से डाला गया हमें शीर्ष लंब की लंबाई प्राप्त हो जाती है, यानी शीर्ष लंब बराबर हो जाएगा समकोण त्रिभुज का लंब गुणे समकोण त्रिभुज का आधार बटे में समकोण त्रिभुज का कर्ण। अब आइए हम लोग इस पर एक दो प्रश्न कर लेते हैं। दोनों ध्यान रखना, एक बी डी बराबर हमने निकाला ए डी गुणे डी सी, और एक बी डी बराबर हमने क्या निकाला, लंब गुणे आधार बटे कर्ण। चलिए आइए हम इस पे दो प्रश्न करते हैं। देखिए एक एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोणिक भुजाएं ए बी हो, यदि समकोणिक शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई P हो तो सही संबंध होगा। पहला ऑप्शन है P स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक बटे पी स्क्वायर बराबर एक बटे ए स्क्वायर माइनस एक बटे बी स्क्वायर, और एक बटे पी स्क्वायर बराबर एक बटे ए स्क्वायर माइनस एक बटे बी का स्क्वायर। चलिए अब जरा इस प्रश्न को ध्यान से समझें, क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोणिक भुजा ए और बी है, और इस समकोणिक शीर्ष से इस पर जो लंब डाला गया है वो P है। तो कहता है कि निम्न में क्या रिलेशन होगा। अब आप ये बताओ कि अगर हमें शीर्ष लंब निकालना होगा तो हमें लंब भी चाहिए, आधार भी चाहिए, कर्ण भी चाहिए। कर्ण नहीं दिया है, कर्ण का मान निकाल लेते हैं, आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब अभी अभी जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है उसके अनुसार पी की वैल्यू बोलो क्या होगी, पी की वैल्यू होगी लंब गुणे आधार बटे में कर्ण, यही तो होगा। चलिए चूंकि हर जगह हमारा पी स्क्वायर है तो अगर मैं इधर की तरफ स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर मैं इधर की तरफ कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों फेल हो गया, ये दोनों इसका जवाब नहीं हो रहा है क्योंकि आपका आंसर आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें चेक करना है इसको, तो अगर मैं इसको एक बटे कर दूं पी स्क्वायर तो एक बटा ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मैं इसे अलग अलग अगर लिख दूं तो देखिए मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए हमें रिजल्ट में क्या मिल गया, एक बटे पी स्क्वायर बराबर, देखो ये इससे कट गया, ये स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो हमारा आ गया एक बटे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो हमारा आ गया एक बटे ए स्क्वायर,
यानी एक बटे पी स्क्वायर का मान बोलो क्या हो गया, एक बटे ए स्क्वायर प्लस एक बटे बी स्क्वायर। और हम ये देख रहे हैं, यहाँ माफ करिएगा, चलिए एक जगह प्लस करते हैं और ये आंसर आपका क्या होता है, सही होता है। तो देखिए इस फार्मूले से कि शीर्ष लंब का मान बराबर होगा लंब गुणे आधार बटे कर्ण की सहायता से, इसे कितने छोटे कितने शॉर्ट में हम इस प्रश्न को लगा ले गए। जल्दी नोट करें, एक सवाल और देखा जाए इस पर। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, यदि एबी बराबर 12 सेमी बीसी बराबर 16 सेमी हो और बीडी लंब हो एसी पर, तो बीडी की लंबाई क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण बी 90 डिग्री है, दूसरा कहता है ए बी का मान है 12 सेमी, बी सी का मान है 16 सेमी और बी डी लंब है ए सी पर। देखो ये कर्ण लंब विभाजक प्रमेय का यहाँ प्रयोग हो सकता है, तो बी डी की लंबाई क्या होगी। अब आपको जो हमने नोट में फार्मूला लिखाया है वो है क्या, बी डी बराबर हो जाएगी 12 गुणे 16 बटे कर्ण, और बताओ ये 12 ये 16 तो कर्ण का मान क्या आ जाएगा भाई, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 144 प्लस 256 बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 400 बराबर 20। तो देखिए अपान में हम यहाँ क्या रखेंगे, 20 रखेंगे और ये हमारा होता है 2 × 6 = 12 तह में 20 96/10 यानी 9.6 सेंटीमीटर। ये अगर हम डिटेल वैसे लगाते तो ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, तो आप इस सूत्र को बहुत ध्यान में रखो कि जब हमें शीर्ष लंब की लंबाई निकालना हो तो लंब गुणे आधार बटे कर्ण अगर हम कर दें तो हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। चलिए ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, बहुत एग्जांपल क्लास में संभव नहीं बन पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर पूरा दिया जाए तो ये बड़ा डिटेल हो जाता है, क्योंकि ज्योमेट्री ही क्लास में अगर मैं पढ़ाता हूँ तो पूरे एक महीने का समय लग जाता है, तो उसे वीडियो में छोटे छोटे खंड में देने का मतलब ही 50 वीडियो के ऊपर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको जो मेन है मैं देने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, और कल का क्लास बहुत अच्छा होने वाला है, न्यून कोण त्रिभुज का प्रमेय और अधिक कोण त्रिभुज का प्रमेय, आप देखिएगा कि इन दोनों प्रमेय में वो क्षमता है जो सवाल आधे आधे पेज तक एक्सप्लेन होते हैं उसे ये 2 से 2.5 लाइन में सॉल्व करता है। तो उम्मीद करते हैं कि कल फिर हम लोग मिलेंगे और आप उसी उत्साह के साथ क्लास करेंगे, वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन भाई फिर मैं एक बार कहता हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भरपूर करें ताकि हम उत्साहित हों और बेहतर आपके लिए देते रहें। ओके, ठीक है, टेक केयर।